हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी एक दो वीडियो से मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कमेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि आप इतने टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहे हो लेकिन हमने आपकी वॉइस नहीं सुनी, और इट विल बी बेटर कि हम आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकें, और इट विल बी मोर इंटरेक्टिव कि अगर आप हमसे बात करेंगे और हमें कुछ बताएंगे जहां आप घूम रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑडियोज़ के साथ आपके साथ डिस्कशन करूं, वीडियोज़ के साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ ऑडियोज़ हों, कुछ वॉइस ओवर्स हों। रीज़न ये है कि मैं एक रिलेटिवली न्यू यूट्यूबर हूँ, सो प्रॉब्ली आई एम नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट क्या आई जस्ट कम ऑन कैमरा एंड स्टार्ट डूइंग द वीडियो चैट्स विद यू गाइस। एनीवेज ग्रेजुअली ये चीज़ें आएंगी, डिपेंड करता है आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है और आप लोग फर्दर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अप्रिशिएट करते हैं। आई विल कम टू दैट पॉइंट। सो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं जरा अपने नीचे नेबरहुड की एक छोटी सी वॉक ले लूँ और आप लोगों को यहाँ की लाइफ के बारे में बताऊँ कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स अभी यहाँ पे तकरीबन 8 बज चुके हैं रात के, लेकिन स्ट्रीट्स बहुत खाली हैं, खामोश हैं। इसकी दो वजह है, एक तो वीकेंड है तो ट्रैफिक थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो है मौसम। और यहाँ पे टेम्परेचर्स अभी 0 डिग्रीज़ के आसपास आना शुरू हो गए हैं और अचानक से एक ड्रामाई अंदाज में सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रोड गलियां खामोश हैं, लोग ज़्यादातर अपने घरों में दबके बैठे हैं या कैफ़ेज़ में हैं और रेस्टोरेंट्स में हैं, बाहर बहुत ज़्यादा रश नहीं है। एक और चीज़ जो इन सर्दियों के साथ आती है वो ये होती है कि एक रश के बावजूद एक स्ट्रेंज किस्म की कामनेस और क्वाइटनेस होती है एनवायरनमेंट में, और प्रॉब्ली दैट्स व्हाट विंटर्स आर ऑल अबाउट। दे स्लो डाउन द थिंग्स, पूरे क्योस को हटा के एक डिफरेंट एनवायरनमेंट आ जाती है जिसकी वजह से आप फील करते हो कि देर इज़ समथिंग दैट यू शुड रिफ्लेक्ट बैक। और वैसे भी दिसंबर के महीने में पीपल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द ईयर्स के पूरे साल उन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया और फर्दर वो लोग क्या कर सकते हैं। तो यही चीज़ें, यही सोच चल रही है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक साल में YouTube पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली, क्या सक्सेस रहा, क्या सक्सेस नहीं रहा, लोगों को क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। Being a professional in an analytics domain, I try to analyze the things. और जैसे ही काम से अलग मुझे कुछ वक्त मिलता है तो I try to understand the things that's going around. I reflect back and move forward. So yeah, I would like to hear from you guys. Do you like this kind of content or what is specifically things that I can help you with? आप मुझे बताएं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू अराउंड, गाइड यू अराउंड एंड इन फैक्ट लर्न फ्रॉम यू गाइस। दैट वुड बी माय मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियोस। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन सो दैट
मेरी सारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू सो मच।